अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जेबी मिंटोर। और मैं हूं आपका दोस्त अफजाल। और जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये ट्रेनिंग के हवाले से है। ट्रेनिंग के जो सेंटर हैं उसमें आपका कौन सा शेड्यूल रहेगा, PHP, SPU, कितना दरानिया रहेगा, सैलरी रिलेटेड है। और ओवरऑल जो है सेंटर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको बताऊंगा कि इन 9 मंथ में आपको ट्रेनिंग सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी, जो आपकी ज़िंदगी तकरीबन ऑल ओवर जो है आपको आपकी बदल के रख देंगी ये 9 मंथ, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थ्योरी जो है वो कम आपको मिलेगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, ये मैंने आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देख लें, क्योंकि जो मैं ऑन द वर्ड जो होती है वही बात करनी होती है, कोई घुमा फिरा के इस तरह की नहीं कहना होता, ठीक है। तो वीडियो को मुकम्मल देख लें, और उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले पंजाब पुलिस और जेल पुलिस, रेंजर, आर्मी, इनके जितने भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉज होता है वो इसमें अलहदा होता है, कुछ फायरिंग जो रेंज होती है ना, फेयरिंग जो इसकी अलहदा होती है, बाकी इनका जो फिजिकल का स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ही टफ हो जाता है आपका, ठीक है। टफ होता है और आपको उसका बेनिफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता, ठीक है। हम समझते हैं कि नुकसान होता है क्योंकि इसमें क्या है कि परेड है और उसके अलावा आपका जो है PT है, ये दो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपको सिर्फ फिजिकल ही बेहतर करती है। इसमें जब आप 9th मंथ गुजारेंगे ना तो आपका जो फिजिकल है तकरीबन आप 1 माइल क्या होता है आप जो है लीड, अगर फौरी तौर पर अगर आप ज़िले में आए और आते ही आप लीड जो फोर्स है उसमें चले जाए और वो जो आपने बेसिक ग्रुप कोर्स जो है कोर्स किया होगा ना, तो लीड का जो कोर्स है वो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। जब आपके 5 से 6 माह 6 साल 7 साल गुजर जाते हैं, फिजिकल जो है आपका वीक हो जाता है, फिर आप लीड करते हैं मुश्किल पड़ता है। चलिए, परेड होती है इसमें सुबह और शाम दो दो या तीन, जब स्टार्टिंग में आपकी घंटे की 1.5 घंटे की परेड होगी, सुबह और शाम को भी 1.5 घंटे की होगी, ठीक है। उसके अलावा ये परेड होगी, उसके अलावा लॉ क्लासेस होती हैं, ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन पहले वीक से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी जो बुक्स रीड करनी है, लॉ आपको कौन कौन सा पढ़ना है उस पर। वैसे मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है पुलिस के रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा सुबह आपने जो फजर की अजानें हैं इंशाल्लाह आपको तकरीबन जो आपका PT का टाइम होगा इंशाल्लाह जो है ग्राउंड में नहीं तो अजानों के बाद होती होंगी और आपको जो है उठा लिया जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। 1 हफ्ता होता है मुश्किल, उसके बाद आप जो है वो रूटीन बन जाती है आपकी, वैसे भी आपको जाग आ जाती है, अगर ना भी आए तो कमरे में 1 या 2 जो दोस्त हैं वो उठ जाए तो वो आपको भी उठा देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। ये 45 मिनट की सुबह की PT होगी, 45 के बाद अपने अपने एरिया में एरिया आपको तकसीम होंगे सेंटर की, जिसकी आपने सफाई का खास ख्याल रखना है, वहाँ पे जाना है और आपने उसके बाद फौरी तौर पे परेड के लिए आ जाना, परेड करनी है, परेड के बाद फिर आपका नाश्ता होगा, नाश्ता करने के बाद फिर आपको कमरों की सफाई का टाइम मिलेगा, फिर आपको लॉ क्लासेस के लिए भेज दिया जाएगा। लॉ क्लासेस करने के बाद आप जब 1 बजे या 12:30 बजे छुट्टी होगी तो वापस आएंगे, फिर ये आपका रेस्ट का टाइम होगा, 2 घंटे मिल जाए, 3 घंटे मिल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको परेड मिलेगी, परेड होगी, कुछ दोस्त परेड के लिए जाएंगे, कुछ वेपन की क्लास के लिए जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह हर सेंटर की ये जो रूटीन है यही रहेगी। अच्छा जी, उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है इसमें आपका फिजिकल बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत ही कोशिश की, जिम होती है, जिम आप उधर कर लें, ठीक है। एंड्रॉयड सेट अगर आपके पास हो तो कम टाइम देना, अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम देना। उसके अलावा प्लाटून्स आपके विंग बनेंगे, हर सेंटर के विंग होते हैं, उसके बाद फिर आपको प्लाटून्स अलॉट होती है, फिर आपके उस्ताद होते हैं, ठीक है। एक परेड के उस्ताद होते हैं, उसके अलावा एक फिजिकल के उस्ताद होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। आर्मी के भी इस तरह है, रेंजर के भी है, SF के भी इस तरह है और पुलिस के भी इस तरह है, और ख़ास तौर पर ये पुलिस का तो सेम टू सेम सेटअप है। तो
फिर आप एक दोस्ताना माहौल मिलता है, जब आप 9 महीने गुजारते हैं तो तकरीबन हर किसी को आपकी शक्ल ना, फिर उसके अलावा वाकफियत होती है आपकी, ठीक है। तकरीबन किसी भी सेंटर में आप पे जाएंगे, वहाँ पे ऑल ओवर जो है पंजाब के लड़के आएंगे, सबसे आपकी जो है मुलाकातें होंगी। उसके अलावा मेरी कोशिश रही, मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो उस्ताद मिले वो जिन्होंने थाना में ड्यूटी रह कर गुजारी हो, थाना में ड्यूटी की हो, 10 साल 5 साल सर्विस हो, तो फिर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जो एक जो उस्ताद है आपके साथ 6 माह रहना, उसके बाद फिर एक जो अगर सेटल की रूटीन रही तो 6 माह के बाद फिर उसने बदल जाना, ठीक है। लेकिन 6 माह अगर उस्ताद ने आपको आपकी तरबियत भी करनी है, आपको ट्रेनिंग के हवाले से भी दिखाना है, उसके अलावा लार के क्लासेज जो है टीचर हैं वो आपको अलहदा से हैं, उनसे आप ला के जो है सवाल कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल मिलेगा ट्रेनिंग का, तो आपको उसे खूब इंजॉय करना। टफ टाइम कब मिलेगा, जब आपने स्टार्टिंग पे जाना, पहला वीक पहले 2 वीक आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे, उसकी पीछे बड़ी वजह है, दोस्त नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा आपकी रूटीन नहीं बनी होती है, और उसके अलावा नया माहौल होता है, तो वहाँ से लड़की जो है कुछ भागने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने वो 1 से 2 वीक आपने गुजार लिए, तो उसके बाद ऐसा माहौल मिलना है, आपको पता है कि नेक्स्ट काम क्या करना है। उसके बाद फिर वैसे भी जो है सेंटर की समझ आ जाती है, उस्तादों की पता चल जाता है कौन किस तरह का है, क्या सोच है, ये सारा कुछ बड़ा इंजॉय बनेगा, ठीक है। तो जब 9th मंथ है, जो आपने 9 महीने गुजारने के बाद आप वापस आएंगे, फिजिकल आपके पास होगा, बहुत अच्छा फिजिकल होगा, उसके बाद आपको वेपन का जो है वेपन हैंडलिंग कौन कौन सी G3 SMG ब्रिटा, ठीक है, और रिवॉल्वर ये और पिस्टल के आपको फायर करवाए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा फायर है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी खोज जोड़ का तरीका आपको सिखाया जाएगा, SMG G3 ये ब्रिटा, ठीक है। और जो वेपन आप हमारी रूटीन में थानों में इस्तेमाल होते हैं, ये खोज जोड़ बड़ी अहम चीज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है काकिंग हैंडल के मुतलक आपको बताया जाएगा, सही वेपन के मुतलक मैं कह रहा हूँ, उसके अलावा फायर पिन के मुतलक बताया जाएगा, G3 की फायर पिन के मुतलक, SMG की फायर पिन के मुतलक, और भी इसमें अगर कोई दराने इसकी कोई चालों में कोई मसला बन जाता है तो फिर आपने किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। बड़ा ही मज़ेदार ये 9 मंथ रहेंगे, एंड पे जो 3 वैसे तो ये रिक्रूटी जो है ये 6 मंथ की है, 3 मंथ जो आपको दिए जाते हैं वो कंप्लीट कोर्स होता है, उसमें आपका फिजिकल और मजबूत करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरा भी और आपका भी साथ रहेगा, इंशाल्लाह और भी नई अपडेट्स आएंगी, सैलरी के रिलेटेड जो भी आएंगी मैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और भी किसी डिपार्टमेंट में कोई अच्छी चीज़ आती है, और इंशाल्लाह जनरल नॉलेज में भी इंशाल्लाह वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। सर्दियाँ आ गई हैं, अब जो है बैठ कर वर्क किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।